आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 15। आई हैव अ टोटल ऑफ रुपीज 300 इन क्वाइंस ऑफ डिनोमिनेशन रुपीज 1, 2 एंड रुपीज 5। नंबर ऑफ रुपीज 2 क्वाइंस इज 3 टाइम्स, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ रुपीज 5 क्वाइंस। मतलब यहाँ पे जो कंडीशन लगी हुई है कि जो रुपीज 2 क्वाइन है वो 3 टाइम्स हैं, किसके, नंबर ऑफ रुपीज 5 क्वाइंस के। टोटल नंबर ऑफ हमें कॉइन्स दे रखे हैं 160। हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विद मी। क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे इसको लेट करके, लेट रुपीज 5 कॉइन भी, क्योंकि 2 कॉइन्स 3 टाइम किसके हैं, 5 रुपी कॉइन के। तो लेट रुपी 5 कॉइन्स इज इक्वल टू एक्स, देयर फोर रुपीज 2 कॉइन इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 कॉइन्स। तो ये हो जाएगा 3x। अच्छा, अब रुपीज 5 कॉइन हो गए, रुपीज 2 हो गए, बचा कौन सा, रुपी 1 कॉइन। देयर फोर रुपी 1 कॉइन्स इज इक्वल टू, अब देखो टोटल कितने हैं हमारे पास, 160। अगर उसमें से मैं इन दोनों को ऐड करके माइनस कर दूं, x प्लस 3x, तो हमारे पास 1 रुपी के कॉइन बच जाएंगे। ठीक, तो अब हमारे पास कॉइन्स की मैंने ये वैल्यूज लेट कर ली कि ये कॉइन्स है 5, ये 2 और ये 1 रुपी। अब देखो जो वैल्यू होती है, टोटल अमाउंट जो निकलती है वो होती है नंबर ऑफ कॉइन्स इनटू फेस वैल्यू। ठीक है, अब टोटल अमाउंट हमारे पास है कितनी, 300, और ये आई कैसे, देखो 5 रुपी कॉइन्स कितने थे, x, तो नंबर ऑफ कॉइन्स थे x इंटू फेस वैल्यू क्या है 5 की, 5, जो कॉइन है, जो करेंसी है वही फेस वैल्यू होगी, प्लस अब ये वैल्यू 3x कॉइन्स थे और वैल्यू रुपीज़ 2, तो 3x इंटू 2। देखो सिंपल सा लॉजिक है, अगर हमारे पास 10 रुपये के दो नोट हैं तो 10 इंटू 2, तभी मेरे पास वैल्यू निकलेगी टोटल 20। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें नंबर ऑफ कॉइन्स इंटू फेस वैल्यू करना है। अब इसको x प्लस 3x को आप लिख सकते हो तो 4x, तो 160 माइनस 4x, ये आपके नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन हो गए। तो 160 माइनस 4x इंटू क्या आ जाएगा, 1, क्योंकि 1 रुपी कॉइन है। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन, ध्यान से करनी है कैलकुलेशन यहाँ पे, और वैल्यूज निकालनी है। x की वैल्यू निकल जाएगी तो सारे कॉइन्स पता चल जाएंगे। ठीक है, देखो अब क्या करना है, 300 यहाँ पे दे रखा है, x इंटू 5 5x, 3x इंटू 2 क्या बन गया 6x, और 160 को, इस पूरे को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं तो वही सेम वैल्यू रहेगी, 160 माइनस 4x, 5 प्लस 6 11, 11 माइनस 4 7। ठीक है, ये हो गया x की वैल्यूज मैंने कंबाइन, इस 160 को इधर ले जाओ, 300 माइनस 160 इज इक्वल टू 7x। जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0, 10 में से 6 गया 4, 2 में से 1 गया 1, 140, ये x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 140 अपॉन 7, 20 आ गई x की वैल्यू। अब देखो x की वैल्यू अगर 20 आ गई, तो जो मैंने कॉइन्स लेट किए थे, 5 रुपी कॉइन्स मैंने लेट किए हुए थे x, ठीक है, तो कितने आ जाएंगे ये 20, कौन से 5 रुपी वाले, रुपी 5 कॉइन्स कितने आ गए 20। अच्छा, जो रुपीज 2 कॉइन्स थे वो 3 टाइम्स थे किसके, 3 टाइम्स है नंबर ऑफ 5 कॉइन्स, तो 3 टाइम्स मतलब कितना बन गया 60। ठीक है, और रुपीज 1 कॉइन कितने बनेंगे, देखो 20 प्लस 60 कितने हैं 80, और 160 में से 80 माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा 80। ठीक है, अब इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हो कि टोटल अमाउंट मेरी 300 बन रही है। देखो 20 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ कितना बन गया 100 रुपीज़, 60 को 2 से करूँगा तो कितने बने 120, और 80 को 1 से करूँगा तो कितने बन गए 80 रुपीज़। अब इनको ऐड करो,
देखो वैल्यू सेम आ गई हमारे पास ₹300, तो मतलब हमारा आंसर ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एन एसे कॉम्पिटिशन डिसाइड दैट अ विनर इन द कॉम्पिटिशन गेट्स अ प्राइज ऑफ ₹100 एंड अ पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन गेट्स अ प्राइज ऑफ ₹25। द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज ₹3,000। फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज 63। देखो क्वेश्चन में कहा है, ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एन ऐसे कॉम्पिटिशन डिसाइड दैट अ विनर इन द कॉम्पिटिशन गेट्स अ प्राइज ऑफ ₹100 एंड अ पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन गेट्स अ प्राइज ऑफ ₹25। टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज ₹3,000, ये टोटल अमाउंट दे रखी है। कहता है नंबर ऑफ विनर्स निकालने हैं, इफ़ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज 63। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ विनर्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अगर नंबर ऑफ विनर्स एक्स हैं तो जो प्राइज़ नहीं जीते वो कैसे निकालेंगे? देखो टोटल मेरे को दे रखे हैं पार्टिसिपेंट 63। ठीक है, अगर विनर्स एक्स हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ क्या लिखें, लूजर्स लिख लेते हैं इनको, पार्टिसिपेंट हु डज, या नंबर ऑफ, देखो इन्होंने कहा हु डज नॉट विन, तो हम नंबर ऑफ लूजर्स लिख लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 63 माइनस एक्स। ठीक है, टोटल में से विनर्स माइनस कर दो तो वो लूजर्स हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो टोटल प्राइज मनी जो डिस्ट्रीब्यूट की गई है वो कितनी है, टोटल प्राइज मनी इज इक्वल टू 3,000। ठीक है, अब ये इक्वेशन कैसे बनेगी, प्राइज मनी दोनों को मिलेगी ना, विनर्स को भी मिल रही है और लूजर्स को भी मिल रही है। जो विनर्स हैं उनको ₹100 मिल रहे हैं और जो नहीं जीत रहा उसको 25 मिल रहे हैं। अब देखो अगर एक्स विनर्स हैं तो उनको प्राइज मिली 100, प्लस जो नहीं जीते उनको कितना मिल रहा है, ₹25। ठीक है, तो वो किसके इक्वल आ गया, 3,000 के। ये इक्वेशन सबसे इम्पोर्टेंट है बनानी, अगर ये इक्वेशन बन गई तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक
ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे, 100x प्लस, अब 63 को 25 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 3 ज़ा 15, 5 6 ज़ा 30 और 1 31, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, ये आ गया 1575। ठीक है, यहाँ पे लिख लिया 1575 माइनस 25x और ये हो जाएगा 3000 के इक्वल। ठीक है, यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है, अब देखो 100x माइनस 25x क्या बन जाएगा, 75x, ये 1575 उधर जाके माइनस हो जाएगा, थ्री थाउजेंड में से 1575 माइनस करने, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 5 गया 4, 2 में से 1 गया 1, तो ये बन गया 1425। अब x की वैल्यू 1425 अपॉन 75, तो कटिंग में आप पहले 5 से कर सकते हैं क्योंकि दोनों 5 के मल्टीपल हैं। ठीक है, 5 1 ज़ा 5, 2 बचा 25, 5 5 ज़ा 25, इधर 5 2 ज़ा 10, 4 बचा 42, 5 8 ज़ा 40, 5 5 ज़ा 25। ठीक है, दोबारा 5 से कर लो, 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, 35, 5 7 ज़ा, 3 1 ज़ा 3 27, 9, तो हमारे पास आंसर क्या आया, 19। उसने यही पूछा था नंबर ऑफ विनर्स, तो नंबर ऑफ विनर्स हमने क्या ऐड कर रखे थे, एक्स, और एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 19। इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।